Hey everyone, welcome to the channel. और आज हम react करने वाले हैं अली मार्के के song पर जिसका नाम है सिर्फ सुनो और प्रोड बाई मिर्जा और हाँ गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब करें यार, आपको पता है करें, बाकी चलें और भाई आपने बहुत रिकमेंडेशन करी प्रोफेसर सर के जाने के बाद तो इतनी रिकमेंड करी ना इस गाने को सिर्फ सुनो मैंने नहीं बनाया क्योंकि पर्सनली मेरे को लगा 6.5 मिनट का गाना है तो ये बहुत ही अच्छा होगा तो मैंने सोचा मैं खाली जाया नहीं करूंगा रोशन जब आएगा तो साथ में करेंगे क्योंकि एक बंदा ज्यादा चीजें नहीं पकड़ सकता ट्रैक में जो मुझे पता होगा रोशन को पता नहीं जो रोशन को पता नहीं वो मुझे नहीं पता तो दोनों दो दिमाग लगते हैं तो ज्यादा चीजें पता चलती हैं अच्छी चीजें बनती हैं तो इसलिए मैंने नहीं बनाया सही बताऊं तो अब रोशन सर आ गए हैं आपने रिकमेंड करा था तो बना रहे हैं लेट्स गो रोशन सर चालू कर दीजिए हमने शुभ शुभ हाथों से ऑन कर दीजिए इसको लेट्स गो मैन सिर्फ सुनो और भी रिकमेंडेशन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना आपको पता है अमेरिका रिएक्शन तो करते ही हैं उन पर थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे गाने आते हैं लेट्स गो मैन चेक करते हैं ओके मैंने रात दिन अब बीती लिखी है तो जैसे मैं कल बता रहा था कि हर गाने मतलब एक रेफरेंस तो वाला आता ही है कि ये लोग कहाँ थे जब मैं फेमस नहीं था तब कहाँ थे अब क्यों आ रहे हैं तो वो रेफरेंस हमेशा रहता तो आप बीती वो मैं रोशन को कह रहा था बहुत अकेली वाइब है ना रोशन को कह रहा था कि जो मैंने गाने सुने उनमें अलोननेस फील है और वही है कि अब क्यों आ रहे हैं पहले कहाँ थे जब 2-3 हजार होते तो ये गंडा भी नहीं पूछते वाली लाइन है देखना तो कभी कभी मैंने रात दिन बस आप बीती लिखी है चले सुन के लोग लफ्ज़ अंगीठी है मैंने हार के हर बात भी जीती चले लफ्ज़ सुन के अंगीठी मतलब लफ्ज़ सुन के हाथ सेक लेते हैं ब्रो गर्मा गर्म जलते हैं नहीं जलते हैं ओके मेरे सब क्योंकि अंगीठी अंगीठी में खाना बनता है इस टाइप की ओके 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 एक तरह का चूल्हा होता है कभी मैंने रात दिन बस आप बीती लिखी है चले सुन के लोग लफ्ज़ अंगीठी है मैंने हार के हर बात भी जीती है मेरे बस में जो था मैंने लिख दिया भाई मैंने लोगों को एक से एक गीत दिए बस इतना कमाने के पेट भरे चंद लोग मेरे आने का वेट करें चंद लोग आने का वेट करें उनमें से हम भी हैं ब्रो जल्दी तगड़े फेमस हो जाओ ब्रो तगड़े फेमस हो जाओ हमारी तो ये विशेष है मेरे को लग रहा है टाइम नजदीक है हाँ मेरे को भी ऐसी लग रहा है पर्सनली मतलब काम तो है हाँ काम तो वो है जो लेवल है डिमांड है वो है पूरी है ठीक है सारे ब्रैकेट्स ना फिल है मतलब क्या कहते हैं सारे चेक कर रखे हैं अच्छे जो चीज होती है ना बस इतना कमाने के पेट भरे चल लोग मेरे आने का वेट करें इतना बेहतर हो जाऊं कि लोग छू भी ना पाए मेरे हालांकि हर महीने रेट बढ़े शेट ब्रो मैं रोक रहा हूँ भाई आई एम सॉरी पर फिर से रोशन वही कि पैसों की बात पैसा मेन है कला का इतना हो जाएगी हर मिनट रेट बढ़े हाँ और लाइन भी तुम्हारी उसने कि कला को कुछ छूना रैप से पैसे ना कमाओ ये जमता नहीं है तो वही भाई पैसा मेन है साफ सीधी बात है भाई और कह रहा है हर महीने रेट बढ़े ऐसा इतना ऊपर हो जाऊं जैसे रोशन ने कहा कि वो छू ना पाए कोई पाए। और हर महीने रेट बढ़े इतना मैं होना चाहता हूँ जैसे बेकन है बेकन होता है पिक तो नहीं छूते ना छूता ही नहीं तो जैसे बेकन है मेरी संगत में हर घंटे जेब बने पर मैं छूता भी नहीं जैसे बेकन है मेरी कलम से बच बेटा लिखे कि सच्चा डरा मुझे भाड़े में लेकर तू शाह तेरे क्या तूने फारिक लिखा ये धोखे बस लाइक किसी कातिल के ना तेरी आंखों में देखा तो कातिल दिखा मैंने ना कोशिश करी पर बातिल बिका पा फैलाते हम कैसे जब चादर ही ना उसे तेरी आंखों में देखा तो कातिल दिखा और वैसे कुछ करा तो बातिल दिखा एक तरीके से लायर दिखा तो क्या लाइन क्योंकि म्यूजिक बहुत वो हो गया आप मेरे को सुनाई नहीं दिया दूरी जिन्हें कब नहीं दिया था टाइम
पहले कभी साथ नहीं दिया। अच्छा अच्छा वही मैं जो मैं बोल रहा था वो पहले टाइम पे साथ नहीं दिया। वही नेवरनेट के टाइम पे नहीं दिया था साथ मैंने दूरी उन सभी से तभी की मेरा वादा हर गाना दुख बेहतर में यहां तक पहुंचाऊं काफी कुछ सह कर मैं लगता कि ये सब मजाक है ना भाई जब फोन अपने दोस्तों के चेक करे मेरे गाने मिलेंगे हटाने मिलेंगे तो बोलेगा टिक्की तो पाने मिलेंगे कदर तो कर थोड़ा सब्र तो कर मेरे हर जगह जाने वाले मिलेंगे तो क्या करेगा रोकेगा किसको जरा साइड में किसको मेरी हाइप पे डिस दो क्या करेगा बोलेगा किसको मुझे सब कुछ पाना बड़ी माइक के लिए इसमें तो छत पे ले जाऊं अगर हाइट पहने को दूर से सब देखे आगे बाइक का लेस को छत पे ले जाऊं अगर हाइट पहने को मतलब ऊपर से डर लगता है फोबिया से। अच्छा हाइट पे निको हाइट पैनिक। अच्छा हाइट पैनिक हो। अच्छा 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 मेरा वर्ड ही समझ भी नहीं आप हुआ वो दिमाग में फीड हुआ है। ओके छत पे ले जाऊं हाइट मुझे हाइट चाहिए पंच लाइन है आज छत पे ही ले जाऊं तेरे हाइट पैनिक जो ऊंचाई से डर लगता है वो छत पे सब कुछ पाना बड़ी माइक के लिए इसमें तो छत पे ले जाऊं अगर हाइट पैनिक को दूर से सब देखे आगे बाइक का लिस्ट को रंग बदले मिले पानी जब पैलेट को इन बच्चों की गलतियों को भाई लेट इट गो मेरा फलसफा बिके हर जगह गाने बज रहे कराची से कलकत्ता मुझे जीना है कैसे तू मत बता मेरी आंखों में देख मुझे सब पता ये धूप के चाटे हम भूख भी बांटे तेरे आने से पहले सब भूख मिटा दे मैंने बोला ये धूप के चाटे और हम भूख लाइनें मेरे को बहुत कुछ समझ आ रही है अगर मैं रुकना चाहूँ तो बहुत रुक जाएगा बहुत रुक जाएगा पर ये लाइन बहुत सी है थूक के चाट रहे हैं और हम भूख भी बांट रहे हैं सब भूख मिटा दे मैंने बोला था थोड़े टाइम स्ट्रीम होंगे गाने स्पॉटिफाई पे लोग बेटा खूब बजाते हो तुम सब मेरे लफ्जों के कर्जदार हो प्लीज मेरे भाई मेरा मत चबाओ मैं वो बंदा नहीं जो फेम के लिए तरसता हूं हां जाता नहीं पैरों से कांपा नहीं शहरों में आग बची ले रही है आगा नहीं इनको मैं खाता नहीं क्योंकि उठाता नहीं जब भी मैं रात का करते हैं हाथ पाई मेरा क्लिक रेट बहुत कम है फिर बताया कि अब आजकल इतना होगी तेरा भाई मेरे को डिस कर दे क्लिक बेट है आजकल तेरा भाई बना क्लिक बेट है तो पंच लाइन और बहुत दमदार शेट ब्रो ये तो भाई मतलब जितने गाने सुनते जा रहे हैं अलीम आर के उतना पसंद आता जा रहा है ये गाना मेरी प्लेलिस्ट पे होना है मतलब अब क्योंकि वो पहले के दो गाने और लाइफ गोज ऑन और कभी कभी तो मेरी प्लेलिस्ट में है सही बताऊं तो और दो मैंने करे वो नहीं है पर वो दोनों है ये होगा पक्का अब ये डलेगा मस्त है बाप भी सिक्के के दोनों पहलू देख ले कुछ ऐसे भी बोला 6-8 क्या मतलब नहीं पता प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना 6-8 पिन कोड तो नहीं जहां रहता है बंदा वो पता नहीं आप बताना क्या सीन है हमें नहीं पता बड़ा कम इधर YouTube का टिक रेट है अगर होना है नोटिस तो डिस कर भाई तेरा बाप भी थोड़ा बहुत क्लिक बेट है जैसा तो कभी तू लिख बेटे दोनों चले तू देखा का सिक्के के माजी का तंग पर आजादी पसंद से फेवरेट नंबर मेरा 68 है हम तो जिंदगी गानों में कह देंगे मेरे काफी प्रोजेक्ट पड़े पेंडिंग पे माना ज्यादा है भाई लेकिन वादा है भाई के सोलो पे आऊंगा ट्रेंडिंग पे डुबा देगा काफिले में बातें छुपाते काफिले में दुश्मन से कम नहीं कसम से भाई इन्हें चीर दूंगा भाई मुझे जहां मिलेंगे हम कम कमाते पर जब भी आते ये लड़के क्यों मेरे आगे बढ़ बढ़ाते सर कटाके देखे बरकता के हम दे सहारा जब ये लड़खड़ाते आफत पे जोर भर से चमचमाते गानों पे व्यूज तभी कख नहीं आते फिर बोले कि भाई हम तो अंडररेटेड है बैक माय लोग सुन नहीं चाहते मैं सच का गाइस साहब अंडररेटेड नहीं बैक वैक हो तुम लोग तुम्हें सुनना ही नहीं चाहते तुम अंडररेटेड समझ रहे हो मैंने आपको नो ब्रो ऐसा सीन है ही नहीं तुम सालो वैक हो तुम्हें लोग सुनना ही नहीं चाहते मैं देख रहा हूँ भाई आधा गाना भी नहीं हुआ अभी बंदा रुका नहीं है एक तेज की सांस भी नहीं ली भाई हल्की हल्की में निपटा दिया है भाई बहुत ही सेक बंदा है भाई सही में लेकिन सर नीचे यानी मीन्स हम्बल फेमस होने के बाद भी बहुत हम्बल अच्छा हाँ तो ये सुनता हूँ रेफरेंस मारता है मतलब नाम लेता हूँ उनका मतलब रीबर्थ वाली जो लाइन बता रहा था वो लाइन भी मारी तो इसने फ्लेयर अप गाना नहीं सुना इसलिए नहीं पता वो लाइन मैंने सुना
मेरे को नहीं देखना रुतबा और स्ट्रीम मतलब एक भाप की नहीं गरम है स्टीम हाँ स्टीम मेरे को लगा वो स्टीम टाइप ही बोला अच्छा और स्ट्रीम स्पॉटिफाई वाले नंबर वाले बात है मुझे जरूरत स्ट्रीम की नहीं है मेरे बार गरम है इतने कि वो स्ट्रीम है ही ऑटोमेटिक आ जाएंगे हाँ वो भाप से अपने आप को स्मोक जैसे वो कहीं वो स्मोक वाले भाप वैसा तो नहीं कह रहा हाँ फालतू का मतलब फालतू भसड़ में पल के मेरे को उठने की जरूरत नहीं है हाँ। मेरी बार्स में गर्मी है वो ऑटोमेटिक अपने आप आएंगे जरूरत इस टीम की फोटो से सोलो मुझे जरूरत है टीम की उठाता नहीं करा मुझे सेल्फ एस्टीम की दुनिया की समझ जब से उम्र 13 थी पैसे से इज्जत या इज्जत से पैसा आते लोग छाप रहे हैं जिल्लत से पैसा जरूरत की जानी है शिद्दत से पैसा तभी आता मुल्क मेरा किल्लत में रहता है दो दिन में लिख लेता 200 बार क्योंकि गिर के मैं उठा जानी 200 बार दिन दूर रहा घर से मैं दिमाग के प्यार के बिना गुजारे 200 बार मेरे टेबल से पूछ बेटा कितना मैं वफादार बन जाना ब्रोकर तू हर चीज में नफा मार कर मेरा बेहतर कर मासी को दफा मार चलता हूं मर्जी से नहीं चाहिए सलाहकार कलाकार कैसे तुझे कल्ला ही नहीं तुझे सब के चलता हूं मर्जी से नहीं है चाहिए नहीं सलाहकार मैं अपनी मर्जी से चलूंगा बेहतर कर मासी को दफा मार चलता हूं मर्जी से नहीं चाहिए सलाहकार कलाकार कैसे तुझे कल्ला ही नहीं तुझे सब की रिपोर्ट तभी डर रहा है भाई स्किल तेरी नल तू तो नल्ला है भाई गली से पर गैंग से बल्ला है भाई एक रैपर है भाई तूने सुना क्या अगर उसको दिल्ली गैंग कुछ बोला ना उसने नहीं गैंग से तुझे पंगा है भाई कुछ बोला उसने तू डरता है भाई और फिर कुछ ये लाइन मारी जाती है भाई ये रैपर सुना तूने ओबे यार ये नहीं सुना तो तूने क्या ही सुना यार सही में अली उन्होंने बोला नहीं सुना और बता नहीं सुना बोल क्या कर लेगा भाई एक रैपर है भाई तूने सुना क्या अगर उसको नहीं सुना तूने सुना क्या नाम शाम चाहे तो उसका सुनाता या फिर एक अदर ट्रैक उसका सुनावा जैसे करता रिलीज अरे सुनते गाने लेकिन मुंह पे अनजान जैसे ना पहचाने सारे रखते ना सर माने या ना माने कितने साल किया वेट है तो कोई ना जाने अपना हाल तो देख मैं करूं साल पे छेद के पीछे माल कर रहे तो कैसे माल से फेल भरी चार की प्लेट पे हम मारते बेटा मेरी देखते रहिए अगर रात पे लेंगे बेहतर है मुझसे सुनाना बेटा पर रैपर बनेंगे तो चाटा देता चाहिए फुटे जुंगली कहीं और कर पे कबूतरों को है वे नहीं दाना देता कर अचार का आठ लगा तू बार का नाच पे तो उतार का साथ तेरे दांत दिए पैसे लिखने को लफ्ज़ पर माइक नहीं था दोनों है पास मेरी हाइट देखना देखना तू भाई तेरी आगे नहीं है किसने कहा रातें हम जागे नहीं है जागे है भाई तभी आगे है भाई मेरा चैनल गवाह मेरे चाटे नहीं है ये बोले बनते जब खोलते डंडे तो कहते हैं मेरा चैनल गवाह है हम आगे हैं एक मैंने चाटे नहीं है मैं वाला चांटा समझ रहा था तो मेरा दिमाग नहीं चला चांटे भाई तभी आगे है भाई मेरा चैनल गवाह मेरे चांटे नहीं है ये बोले बनते जब खोलते डंडे तो कहते हैं भाई आई एम सॉरी यार शोले बनते साले गोले गंडे तेरी औकात ही रखो तुझे चौकीदार ओची बनते साले तो निबंध में इनकी भट्टी है बोले लेके लाखों बार तेरा जो भी फंड है मेरा नो रिफंड है अगर कर चुका पेमेंट मेरे शो की यार लेके जाऊं तुझे पीछे साथी जमात के साथी समाज में कर तेरा रिफंड कर दूं अगर मेरे शो में तूने करी है अगर तेरे नहीं आना तो ऐसा कुछ नहीं है है ना ऐसे कुछ बोला चौकीदार ओची बनते साले तो निबंध में इनकी भट्टी है बोले लेके लाखों बार तेरा जो भी फंड है मेरा नो रिफंड है अगर कर चुका पेमेंट मेरे शो की यार लेके जाऊं अच्छा मेरे तरफ से कोई रिफंड नहीं है अगर तू मेरी शो की पेमेंट कर दिया तो अच्छा अच्छा वो क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही बोला था लाइफ गोज ऑन में भी उसने जिक्र करा है कि मैंने कैसे बताना मेरा काम है और सारी तेरी जिम्मेदारी तेरी है सारी तेरी जिम्मेदार पता नहीं मेरे को एकदम याद नहीं आ रही पर यही बोला था लाइफ शो की बात है हां बोले लेके लाखों बात तेरा जो भी फंड है मेरा नो रिफंड है अगर कर चुका पेमेंट मेरे शो की यार लेके जाऊं तुझे पीछे साथी जमात के साथी समाज में का कष्ट है हाथ मेरा हक के नाम पे चाह हक दिखा के आ हद से करते रहा हक के बाद मैंने लिख दिया जब मुझे आमद आई प्लीज तेरी जान मेरा मत खा भाई लोग ये जादू तो ना मर खाई चले लंगर में बीफ की तू दावत भाई पर मैं देता नहीं तो ये अफसरदा मेरा ज्यादा जब मैं लंगर में बीफ नहीं तो दावत क्यों भाई दावत क्यों दावत क्यों भाई मेरे को अच्छा से करते राहत के बाद मैंने लिख दिया जब मुझे आमद आई प्लीज तेरी जान मेरा मत खा भाई दोगले इंसान तू तो ना मर थाई चले लंगर में बीफ की तू दोगले इंसान तू तो ना मर थाई कस्ते हाथ में राहत के नाम पे चाह हक दिखा के आ हद से करते राहत के बाद मैंने लिख दिया जब मुझे आमद आई
लंगर में बीफ नहीं तो दावत नहीं भाई ऐसे। हाँ शायद 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 अगर लंगर में बीफ नहीं है तो मैं दावत खाने आऊंगा ही नहीं। यानी कि भजड़ नहीं है तो मतलब भजड़ में बीफ वाली बात नहीं है, सच वाली। हाँ सच वाली बीफ। हाँ सच में बीफ हो मेरा मत खा भाई, दोगे इंसान तू तो ना मर भाई, चले लंगर में बीफ की तू दावत भाई, पर मैं देता नहीं तो ये अफसरदा, मेरा ज्यादा लोगों में अदम गुड़ता, मेरे वो चार यार जो के देते हैं प्यार, जब भी मिलते हैं बार बार कम खुद का, चाहे फिर क्रूज मेरे वो ही बैठक, ढाई बजे बॉयज तेरे करते पैकअप, जहाँ 16 लड़के वहाँ 32 भर के, नफरत ही नफरत चेक पर मैच के टाउन ये लाले जे काउंट में डाले, उसकी घर से कॉल ले उसका राउंड संभाले, मुश्किल से बेकार जो दिल में लिखा, नहीं पता मुझे मेरा क्या कमाल है, मेरा ताज का बादशाह ये क्राउन तू पाले, बदमाश तू बन रहा बेफॉर्म बना ले, टिंटो की पेमेंट 10 पाउंड निकाले, तभी एएस जे एस अकाउंट में माले, मेरा रब ने वास्ता खुद ही बनता रास्ता, अली मार के मैं आके बचपन से रास्ता, अंदर का होना अगर नाश्ता रास्ता तो मैं क्या ही होता, मैं क्या ही पाता, रात 4 बजे इधर ए पी दे लोन, बचपन से पहनी ए पी की क्लोन, ए पी पी ऑन तेरा भाई करेगा, तेरे साथ पूरी गैंग कभी बिल भरेगा, और मेरे भाई मुझे टोको यार 627 पूरे 200 बार, कौन है हार्ट तुम फिर चुनो, जब बोले ग्रैपर से सुनो, और मेरे भाई 627 का है गाना, 627 पूरे 200 बार। ओके तभी मैं कह रहा 627 क्यों बोला उसने, मैं दिमाग लगा रहा था, सोया मैंने कि 627 का गाना है, 6 मिनट तूने बोले दिया पूरे 200 बार, कौन है हार्ट तुम फिर चुनो, जब बोले ग्रैपर से सुनो, और मेरे भाई मुझे टोको यार 627 पूरे 200 बार, 200 बार फेंक दिए ब्रो, बहुत बड़ी बात है, बोले अलीम तुम सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, अब आया हो सुनो बेटा, सिर्फ सुनो, जब बोले अलीम तुम सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो पिछले गाने में इसने यही बोला था कि पहले अलीम तू सच बोल, ये कोई नहीं बोलता है, पर जब अलीम सच बोलता है तो खून इनका खोलता है, तो अब इसमें भी वही बोल रहा है उस टाइप का, सिर्फ सुनो, अब अलीम बोल रहा है तो अब तुम सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, अलीम बोल रहा है तो सिर्फ सुनो, ऐसे कुछ बोल रहा है, सिर्फ सुनो, जब बोले अलीम तुम सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो बेटा, सिर्फ सुनो, जब बोले अलीम तुम सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो बेटा, सिर्फ सुनो, जब बोले अलीम तुम सिर्फ सुनो, चल रिस्पेक्ट टू दिस गाय भाई, रिस्पेक्ट भाई, हो ऐसा था कि लंबा था, हो वो 2-3 बार का बीच में फिक्स के एक ही बार में दे दिया गया ऐसा लग रहा है, बाकी तो बहुत तगड़ा गाना है, बहुत ही तगड़ा, मतलब ऐसा लग रहा है कि बंदे का बस टाइम आना चाहिए, बस बस है, रिस्पेक्ट भाई, सही में प्राउड बाय मिर्ज़ा, मास्टर औकात दिखा दी भाई गाने से। हाँ बहुत ही मतलब सिक, हद से ज्यादा सिक ट्रैक है भाई, मतलब बंदा रुका नहीं यार, गाना जब लिखा होगा उसी टाइम, वही मेरे समझ में नहीं आया, 627 मतलब दिमाग लगाया कि पूरा उसने पहले गाया है, उसके बाद उसने सेट कराया कि हाँ यहाँ पे करेगा, अगर ये 200 बार तो समझ गया होगी, 200 बार हो गए अब कितना होगा वो बाद में, लेकिन सुनने वाले के हिसाब से मजा आ गया ब्रो ट्रैक में, जो भी था हमने बीच में तो बता दिया जो हमें समझ में आया, अभी फिलहाल तो कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि पीछे वाला याद आया, अब आगे वाला आया तो पीछे भूल गया, ऐसी हो रहा सीन, क्योंकि गाना बहुत लंबा, बहुत लंबा है और चीजें भी बहुत सारी हैं, यानी कि 5-8-7-8-12 बार निकल रही है तो एक पंच पड़ रहा है, याद है कि हां हां सही में 627 वाला याद है, हां 627 वाला तो अभी अभी गया, हां तो याद होने ही था, मजा आ गया यार, थैंक यू फॉर रिकमेंडेशन यार, सही में दिल से इस ट्रैक के लिए तो सही में बहुत ही मजा आ गया भाई इस गाने में, मतलब वो जिस वैसे मैं कह रहा था ना भाई 6.5 मिनट का है तो मैं रोशन के साथ करूँगा तो भाई मैंने गलती नहीं करी, मैंने सही करा रोशन के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस करी जो रोशन ने पकड़ी हैं, तो भाई सही में तो ये बहुत सही है, डोप है सेल भाई, सही में मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा ये फिक्स, स्पॉट फिक्स हो गया इसका, सही में भाई। बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।